सुनो, क्या है खाना? क्या बना है? यूरिया बना है, और क्या बना है? हाँ, तुम रोज यूरिया बनाओ, जिंक सल्फेट बनाओ, पोटास बनाओ, डाई अमोनियम फास्फेट बनाओ, यही सब फास्ट फूड बनाओ, हेल्दी खाना मत बनाना। कौन सा हेल्दी खाना बनाए? गोबर की खाद बनाओ, और क्या बनाओगी? तुम्हारे रासायनिक खाने से ज्यादा अच्छा है। हे भगवान, कैसे आलू शादी हो गई है हमारी? इसको सुबह भी गोबर खाना है, दोपहर में भी गोबर खाना है, और रात में भी गोबर खाना है, और इसको कुछ पसंद ही नहीं आता है। अरे तुमको मालूम भी है गोबर कितना फायदेमंद है? हमारे बाप दादा गोबर ही खाते थे, तभी इतने हरे भरे तगड़े बने रहते थे। हाँ, ज्यादा हरे भरे थे इसलिए छुट्टा सांड खा गए। तुम चाहते हो हमें भी छुट्टा सांड खा जाए? चिंता ना करो, सांड तुमको नहीं खाएंगे। सांड हरी भरी सब्जी खाते, सड़ी गली सब्जी नहीं खाते। मतलब हम सड़ी गली सब्जी है? और क्या, मुँह देखा है कभी अपना केमिकल वाला खाना खा खा के कैसे छुहारे की तरह चिचुक गया है? अरे तुम अपना मुँह देखो, गोबर खा खा कैसे चिलगोजे जैसा हो गया है। अरे भाभी जी, झगड़ा हो रहा है क्या? क्यों, आप झगड़ा देखने आए हैं? अरे नहीं, हम फिल्म देखने जा रहे थे, इधर से गुजरे तो झगड़ने की जोर जोर से आवाजें आ रही थी, तो सोचा आज इधर ही मनोरंजन कर लिया जाए। वैसे झगड़ा किस बात के लिए हो रहा है? क्या बताएं, हमारी शादी ऐसी सब्जी से हो गई है जिसको गोबर का कुछ पसंद ही नहीं आता है। अरे नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, इनको गोबर के अलावा भी बहुत कुछ पसंद है। और क्या पसंद है इनको? अरे जब कोई खेतों में टट्टी करके जाता था तो ये बड़े मजे से पार्टी करते थे। तभी तो कहे इनको यूरिया खाने नहीं पसंद है, टट्टी खाने की आदत पड़ी है तो यूरिया कैसे पसंद आएगा? अरे टट्टी में भी बहुत पोषक तत्व होते हैं, सब्जियों में जो स्वाद आता है वो टट्टी की वजह से ही आता है। हे भगवान, कैसे गंधौरे से शादी हो गई है हमारी? हम गंधौरे हैं? और क्या, हम गंधौरे हैं तो तुम पदौड़ी हो, दिन भर उल्टा सीधा खा के पादती फिरती हो। हम पदौड़ी हैं तो तुम गोबरिल्ले हो, दिन भर गोबर खाते रहते हो। तुम सड़िल्ली हो। हम सड़िल्ली हैं? और क्या, मुझको सड़िल्ली कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी बताते हैं तुमको। अरे पगला गई हो क्या? हाँ हम पगला गए हैं। अरे नहीं, लग जाएगी, मारिए भाभी जी, आज पूरी कसर निकाल लीजिए। अरे मारना नहीं, अरे मारिए भाभी जी, ज्यादा सोचिए मत। अरे नहीं, लग जाएगी। अरे लगने के लिए ही तो मार रही है, आप मारिए भाभी जी। अरे नहीं, अरे भाभी जी, आपने तो हम ही को मार।